भाई आजकल तो आप कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, अपनी गाड़ी को दूसरों की गलती से बचाना ही पड़ता है। खासकर कि जब कोई अपनी गलती माने ही ना तो क्या करोगे? बेटर रहेगा एक सस्ता सा डैश कैम ले लो। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ ना होने से तो बेटर ही रहता है। अब सवाल आता है कौन सा डैश कैम लिया जाए। तो देखो यार, एंट्री लेवल डैश कैम्स में बस 19-20 का ही फर्क रहता है। तो जिसमें भी बढ़िया डील मिल जाए, जो आपके बजट में आ जाए, वही ठीक रहेगा। वैसे कुछ बढ़िया ऑप्शंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले आ जाता है 70mi का M300 डैश कैम। इस डैश कैम में हल्की सी बेटर वीडियो क्वालिटी मिल जाती है अगर कंपेयर करें फुल HD डैश कैम के साथ। एक्चुअली इसमें वीडियो रेजोल्यूशन हल्का सा अपस्केल किया हुआ होता है 1080p रेजोल्यूशन से। 70mi के इस मॉडल में 3D नॉइस रिडक्शन का एडवांटेज भी मिलता है, जो नाइट के शॉट्स अच्छे निकाल के दे देता है। आप चाहें तो CPL फिल्टर का यूज करके वीडियो क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फिल्टर एक्स्ट्रा सनलाइट को भी रोकता है, जिससे फुटेजेस में एक्सपोजर मेंटेन रहे। हालांकि इसे आपको अलग से बाय करना होगा। कैप्चर हुई वीडियो क्लिप्स को आप मोबाइल ऐप पे चेक कर पाएंगे और इसी ऐप में आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं कि डैश कैम जो रिकॉर्ड कर रहा है उसे क्या कहीं से भी देख सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। देखो, इसके लिए तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा ना, जो तभी पॉसिबल है जब डैश कैम में सिम लगाने का ऑप्शन दिया हुआ हो। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ऐसा होता नहीं है। वैसे एक जुगाड़ है मेरे पास, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा लगा के। कमेंट कर देना जिनको इस ट्रिक के बारे में पता करना है। बाकी इस डैश कैम की हार्डवेयर किट भी अवेलेबल है। इस वायर की मदद से डैश कैम को कार बैटरी से कनेक्ट कर दो और अपनी गाड़ी पे 24 घंटे निगरानी रखो। ये सिंपल सा सेटअप है जो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर कार एसेसरी शॉप वालों से आप फिटिंग करवा लीजिए। बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो इसमें 128GB तक का कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सभी कार्ड इसमें सपोर्ट नहीं करते। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जो सपोर्ट करते हैं उनके लिंक्स मैंने डाले हुए हैं। बाय द वे, 128GB में लास्ट 10 डेज की वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोर रहती है, विच इज मोर देन इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डैश कैम है नेक्स्ट डिजिट्रॉन A3। इस कैमरे में वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये 1080p रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन 1080p इज नॉट बैड। शार्पनेस ठीक ठाक मिल जाती है। वैसे इसका भी CPL फिल्टर अवेलेबल है, जिससे वीडियो क्वालिटी को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इस डैश कैम के यूनिक फीचर्स की बात करें, तो जहां सभी डैश कैम्स में 1 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और हर 1 मिनट के बाद न्यू वीडियो क्लिप बनने लगती है, वहीं इस कैमरे में 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। यानी वीडियो फाइल्स कम बनेगी और फाइल्स ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। काफी लोगों को डाउट रहता है कि अगर कार्ड फुल हो जाए तो कैसे पता चलेगा। तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कार्ड कभी फुल होता ही नहीं है, बल्कि पुराने वीडियोस रिप्लेस होते रहते हैं लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग से। अब इस कैमरे को लेने का एक एडवांटेज ये भी है कि इसके साथ हार्डवेयर किट मिल जाती है। अगर हार्डवेयर की जरूरत नहीं है तो आप इसी ब्रांड का दूसरा मॉडल एस प्लस भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हार्डवेयर किट की बजाय GPS मॉड्यूल दे रहे हैं। यहाँ डिपेंड ये करता है कि आपको 24 घंटे पार्किंग सर्वेलेंस चाहिए या फिर GPS के थ्रू गाड़ी को ट्रेस करना है। ध्यान रहे एस प्लस मॉडल में GPS जरूर है, लेकिन गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, इसका जरूर पता लगा सकते हो कि गाड़ी कहाँ कहाँ पे गई हुई थी, क्योंकि वही तो इसमें स्टोर रहता है बाद में चेक करने के लिए, पर लाइव चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। दोनों मॉडल्स में सुपर कैपेसिटर बैटरी लगी मिलती है। ये बैटरी दिल्ली जैसी हॉट सिटीज के लिए परफेक्ट रहती है, क्योंकि इसकी बैटरी 85 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल लेती है। तो ओवरऑल एक अच्छा कैमरा है, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो आफ्टर सेल सर्विस भी बेटर मिल जाएगी। अगर आपको जमता है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब नेक्स्ट जो डैश कैम है, ये बाकी सबको पीछे छोड़ देता है, रेड टाइगर F3। और उसकी वजह है इसमें मिलने वाला 2.5K वीडियो रेजोल्यूशन। यानी इस कैमरे को पिक्चर क्वालिटी में तो कोई बीट नहीं कर सकता। वीडियोस में एक्स्ट्रा डिटेलिंग निकल के आती है, जिससे गाड़ी की नंबर प्लेट को रीड करना ईजी हो जाता है, चाहे फिर गाड़ी दूर ही क्यों ना हो। इसके अलावा इस डैश कैम में वाइड एंगल लेंस लगा मिलता है, जो बाकियों से ज्यादा एरिया कवर करेगा। इसका मतलब कैमरे से कुछ भी मिस नहीं होने वाला। अगर मुझे बजट डैश कैम चाहिए होता तो मैं तो यही मॉडल लेता। बाकी सब कॉमन चीजें दी हुई है, G सेंसर लगा है, फिर हार्डवेयर किट भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और तो और सुपर कैपेसिटर बैटरी भी इसमें लगी हुई है। अब इस प्राइस में तो और क्या ही लोगे, सब कुछ तो दे ही रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मेरा रिप्लाई तुरंत आ जाता है। चलिए, इसके बाद आता है DDPI Mini Pro।
ये डैश कैम भी 70 माई की तरह शाओमी ने ही बनाया है, बट 70 माई से बेटर वीडियो क्वालिटी इस डैश कैम में मिल रही है। जी हाँ, 70 माई में सेम वीडियो क्वालिटी CPL फिल्टर लगा के आती है, लेकिन इसमें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। एक खास बात इसमें ये भी है कि ये कैमरा अंदर की तरफ रोटेट हो जाता है, तो अगर कभी कोई ऊटपटांग इंसान गाड़ी में बैठ गया हो ना, तो सिंपली इसको अंदर की तरफ रोटेट कर देना। ऊपर ड्राइवर्स के लिए भी इस टाइप का कैमरा बढ़िया रहता है। बाकी फीचर्स जो सब में आते हैं वो इसमें भी मिलेंगे, जैसे कि वाईफाई से फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जी सेंसर लगा है, प्लस सुपर कैपेसिटर बैटरी भी इसमें मिलेगी। इसके अलावा इस डैश कैम में 256 GB तक का SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है। अगर कभी गाड़ी कई दिनों तक खड़ी करनी पड़े तो ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। 256 GB में हमें 20 डेज की वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से मिल जाती है। अच्छा, इसे याद आया, काफी लोग कॉमेंट करके पूछते हैं कि कार पार्किंग पे खड़ी रहती है तब उसकी बैटरी खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो देखो यार, इन डैश कैम्स को सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी चाहिए होती है, जो आजकल के मोबाइल फोन से भी कम है। और फिर डैश कैम्स तो पार्किंग मोड पे या तो टाइम लैप्स वीडियो बनाते हैं या फिर मोशन ट्रैकिंग वीडियोस। इसमें ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होती एज कम्पेयर टू रेगुलर वीडियोस। ठीक है, अब एक सस्ता टिकाऊ डैश कैम बताता हूँ जिनका बजट कम है उनके लिए। ये है रेड टाइगर F5। ये डैश कैम देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसमें फीचर्स सभी मिल जाते हैं। बस ध्यान रहे, वीडियो रेजोल्यूशन फुल HD का ही दिया हुआ है। इस 1080p रेजोल्यूशन में भले ही वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन अब 3000 के प्राइस पॉइंट में और क्या ही चाहिए। सस्ता होने के बावजूद इसमें सुपर कैपेसिटर बैटरी दे रहे हैं, जो कि 70 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल लेगी। उसके साथ साथ जी सेंसर भी लगा है, तो मोटा मोटा सारे बेसिक काम कर देगा। और हाँ, हार्डवेयर किट भी इसकी अवेलेबल है, यानी पार्किंग की टेंशन भी नहीं होने वाली। अब जैसा कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इन डैश कैम्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इन शॉर्ट, अगर वीडियो में क्लैरिटी चाहिए तो रेड टाइगर का F3 ले लो, वहीं अगर रिकॉर्डिंग ज्यादा करनी है तो DDPi इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। और अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पता ही है, आपके लिए है नेक्स्ट डिजिट्रॉन वालों के डैश कैम्स। सभी डैश कैम्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे ये सभी एंट्री लेवल डैश कैम्स हैं, तो ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अगर इनसे अच्छे वाले डैश कैम ढूंढ रहे हैं तो ये वाला वीडियो चेक कर लो। और जाने से पहले अगर इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो अपना लाइक जरूर देके जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है पंकज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।